भगवान दो घड़ी को इंसान बन के दे, धरती पे चार दिन को मेहमान बन के दे। भगवान तेरी दुनिया में इंसान नहीं है, मंदिर भी है मस्जिद भी है, ईमान नहीं है, ईमान नहीं है। कब से हैं आप यहाँ पे? याद नहीं। यहाँ पे तो हो गया कम से कम 10-11 महीने। 10-11 महीने इससे पहले कहाँ थे आप? उससे पहले बेटे करने जी, बेटे ने अपने बेटे की शादी करी जी, मुझे यहाँ फेंक गया। जब से खबर ही नहीं ली बेटे ने कि माँ कहाँ पड़ी है, रो रही है, हंस रही है, क्या कर रही है। कब से आंटी यहाँ पे आप? मैं दूसरा महीना है, इससे पहले घर में थी। कितना वक्त हुआ यहाँ आए हुए आपको? 3 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटा है। एक ही बेटा है, कहाँ है? अक्टूबर को 2 साल हो गए, मैंने एक लड़का छोड़ा। क्यों आए वहाँ से घर छोड़ के? बस मेरे बहू ने मना कर दिया तो मैंने ना छोड़ा। अब आजकल तुम्हें बताइए बड़े लड़कों की कहाँ चला, बहू अपने मुट्ठी में कर ले। बस मैंने कहा अब मुझे रहना भी नहीं, मैं तेरे मुँह से ये लग सुनना चाहूँगी, अब मुझे रहना। आप छोड़ के आए हैं घर? बस 90 क्या बताया आपको, क्या लाइफ बताया हमारी, फ्री है। चार लड़कियाँ एक लड़के पढ़ता है अभी जी। लड़कियों की शादी हो गई? नहीं हुई किसी की? सब यही रह रहे हैं? तो आप यहाँ क्यों, कैसे? जी ठेकेदारी का काम है जी, सरकारी गवर्नमेंट जी, गवर्नमेंट मतलब अच्छी जगह आपने काम किया? अच्छी जगह काम किया हमारे यहाँ के जी, सरकारी काम कर जी। अभी 5 साल पहले मेरे को छाती में दर्द है, मेरे को घर वाले हॉस्पिटल दाखिल कराए सफदरजंग जी। सफदरजंग जी पहले से थोड़े दिन आते हैं जी, उनके तबीयत ज़्यादा, जब इलाज चल रहा था आपका तब आते थे? थोड़े एक दो दिन आए हॉस्पिटल में ही, 3-4 दिन आए जी। उसके बाद तबीयत ज़्यादा खराब हो गई जी, पता भी लग गया क्या ज़्यादा खराब है, ऑक्सीजन लग गया। फिर मेरे से पूछा हॉस्पिटल में इलेक्ट्रॉनिक को करता नंबर, मैंने फ़ोन नंबर दिया, घर वालों ने फोन किया, ऑक्सीजन लगी है, पता नहीं कहीं मिला ना। और कोई दिया 40% केसेस तो वो है जो कट जाते हैं, और 60% केसेस वो हैं जब वो पैरलाइज हो जाते हैं या फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो सीधे उनके घर वाले 1-2 महीने में ही तंग आ गए थे, क्योंकि लेटरिन बाथरूम की तरफ बढ़ रहे थे, इसके पास टाइम न उतनी भावना रहती। ओल्ड एज में वैसे भी दिमाग का गुस्सा भी आएगा बुजुर्ग को, कुछ बोल भी देगा, डांट भी देगा, तो सबको बुरा लगता। बस वही ड्राइवर को दिया है, खुद गाड़ी में बिठाया ले गया घर से 15-20 किलोमीटर दूर छोड़कर, ये आए जिंदगी। आप पे कितना वक्त हुआ आए हुए? 1 साल हुआ है। कौन छोड़ के गया है आप? हाँ पड़ोस से छोड़ के गया, बच्चे कहाँ थे? वही थे तो पड़ोसी को छोड़ा? नहीं है वहाँ पे, मुझे पता नहीं है पड़ोसी यहाँ छोड़ गए। आए नहीं कभी मिलने के? उन्हें पता है आप यहाँ पे हैं? बच्चों को नहीं पता आप यहाँ पे हैं? क्यों नहीं बताया आपने? लड़की का लड़का आया तो मारते थे आपको? कौन मारता था? बहू मारती थी घर में, बहुत मारती थी, सर पे उसके बाल सबने मारा। क्यों मारते थे? पैसे दो, 80,000 रुपए थे आपके पास, मांग लेते थे, छीन लिया आपसे, कपड़े फाड़ के आपके पैसे ले लिए। कुछ बताना चाहेंगे क्या कारण है आजकल परवरिश में कोई कमी है या वक्त नहीं है बच्चों के पास, क्या कारण है कि मैम काम वाम करते नहीं है, दारू पीते हैं,
जन्मदार भी थे, श्रमदार भी थे, काम करे तो बच्चे का क्या करें। कितने बच्चे आते नहीं कभी? नहीं, कभी फोन करता है, कभी बात करता है, कोई नहीं आता, देखने भी नहीं आता। आजकल एक बीमारी चली है, उसको बोलते हैं डिमेंशिया, अल्जाइमर। डिमेंशिया में मेमोरी लॉस होती है और उसी का एक पार्ट है अल्जाइमर। डिमेंशिया मेन और उसमें होता क्या है कि ये बीमारी है पढ़े लिखे लोगों की या वो लोग जो दिमाग से काम करते हैं, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है लेकिन हो सकता है वो बिजनेसमैन अट्रैक्टर हो तो दिमाग ज़्यादा चलाता है। तो जो लोग दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं वैसे ज़्यादातर मैनेजर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS ऑफिसर या बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा उसका ब्रेन चलता रहता है, ये बीमारी उन्हीं को होती है। घर से पैसे लेने गया था, किसी से पैसा लेने लेने गया, वापस ही नहीं आया। ये काफ़ी दिन हो गए नहीं आया, तो मेरे को किसी ने बोला मैं जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट कर। मैं रिपोर्ट करने गई थाने में, तो जैसे थाने से रिपोर्ट करके बाहर आई तो मैं वहाँ गिर गई। मेरे को नहीं फिर पता मेरे को कहाँ गई थी, मैं सड़क पर गया था, वो ऑटो वाला बोल रहा था ने बोला कि कोई नहीं कहीं आपका ई पी था और कोई नहीं था फैमिली में, नहीं उसकी फोटो मेरे हाथ में, तो वो मेरे को पुलिस वालों ने उसको दे दिया ऑटो वालों को, मेरे को ऑटो में बैठा दिया। मेरे को जब यहाँ आई मेरे को पूछ आया, तो मैंने कहा मैं कहाँ, तो बोला ऑटो वाला सड़क पर पड़े थे, अम्मा तो आपका कोई नहीं कि बेटा था आपका, ये फोटो है बेटे का, तो यहाँ रहना पड़ेगा, कोई तो है नहीं। उसका टीवी में फोटो जैसे दिया है कि किसी को भी पता चलेगा देखेगा तो बोलेगा मेरा उसका। बहुत कहता था अम्मा मेरे बच्चों की सेवा करना, मेरी बहू तेरी सेवा करेगी, ऐसे बोलता। ये नहीं बताया आश्रम में, हाँ, क्या बोला? बस गाड़ी में लाया, हाँ, और यहाँ छोड़ दिया, कह रहा यहाँ है दो चार दिन, क्या पता था बाद में पता चला आश्रम में यहाँ छोड़ जाते लेके नहीं जाते। धन को इकट्ठा किया वही धन उनको लास्ट में होने का दुश्मन बन गया, सारा खेल पैसों का ही होता है। अब वही रहने, वही रहने, वही रखें, नहीं चाहते अब अपना घर। मेरे को ले जाए अपने घर में रख ले मुझे, मैं उसके बर्तन भी साफ कर दूंगी, झाड़ू पोछा भी कर दूंगी, मगर मुझे रख ले अपने घर। नौकरानी बन के भी रह जाऊंगी मगर मैं बेटे का नहीं रहना चाहती। चाह तो बहुत है मगर जब हमारे भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, दोनों छोटे हैं, why should I force myself? ऐसे डाल दिया जैसे कुत्ते को खोल देते जा घूम कहीं भी। See, as I said कि the family is more migrating to nuclear family, so जो एक लास्ट बैकअप जो होता है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स, सो वो तो टाइम बहुत कम हो गया है, फ्रेंकली स्पीकिंग दे आर नॉट विद यू।
आप उनके साथ रहते नहीं हो. दिस इज अ समटाइम्स लाइक यू आर गोइंग फॉर वन मंथ एंड जस्ट स्पेंडिंग योर वेकेशन, सीइंग योर खेत हरियाली एंड यू आर कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल प्लेस. सो व्हाट द हेल यू आर गिविंग टाइम्स टू योर पेरेंट्स, जस्ट लाइक यू आर हैविंग सम वेकेशंस. तो फ्रेंकली स्पीकिंग एज आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, एक्चुअली ये सिर्फ एक दिल में मलाल टाइप ही रह जाता है कि आप उनके साथ वो नहीं कर रहे, एक दुख ही जता सकते हो बट आप टाइम नहीं दे रहे. सब लाइफ स्टाइल अपने बिजी है, शेड्यूल इतना बिजी हो गया, मतलब सब अपने काम में बिजी रहते हैं, तो बस यही है टाइम फैक्टर आ जाता है सबसे. बच्चे पढ़े नहीं होते, बच्चे पढ़े नहीं, सबको पढ़ाया लिखाया आपने. ये भी एक लड़की है, एक लड़की पहले मेरे कोर्ट पे कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक सीए है, एक स्कूल में टीचर. कोई नहीं है. वाइफ है आपकी? वाइफ भी है? कंप्यूटर कंपनी में काम करती है, सारे अच्छे से काम करती है. भाई आते हैं आपके? छोटा भाई है. और कोई फैमिली मेंबर? एक तो वो कारण है, दूसरा कारण है पैरेंट कर रहे हैं हमें बिस्तर पे, मकान एक ही है, कमरे एक ही है, उनको स्मेल जाती है, खांसते हैं, बूढ़ा है, बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा. उनको अपने बच्चे को बूढ़ों के पास तक नहीं जाने देते. बूढ़ा बेचारा अपने पोते पोती के लिए चाहेगा कि मेरे पास नहीं, वहाँ जाओगे इन्फेक्शन हो जाएगा. कोई ऐसा भी था जब घर वापस गया हो अपने, कोई लेकर के वापस गया हो? कोई फैमिली कभी वापस नहीं की? देख तेरे संसार के हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान. चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान. हमारे क्षेत्र में एक वृद्ध आश्रम चलाया जा रहा है, कि हमें वहाँ कुछ बुजुर्गों के साथ में उनके व्यवहार होता हुआ महसूस होता है. कई बार हमने देखा है जो के साथ हाथापाई मारापीटी तक की जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए. क्या लगता है आपको, होना चाहिए ओल्ड एज होम? नहीं होना चाहिए. ओल्ड एज होम में सेफ तो नहीं, बट ये उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पे वो अपने जैसे लोगों के साथ रह सकते हैं. एटलीस्ट उनके कुछ तो जो उनको डिप्रेशन लाइक कुछ जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है ना, वो कुछ तो कम होती है. बी कॉम हूँ मैं. इंटर इंटरनेट इंटरनेट ये क्या चीज़ होती है? इंसान बूढ़ा मरता है ना, उसकी मृत्यु फिर बच्चे के टाइप की हो जाती है, तो उसको बच्चे की तरह रहना चाहिए. बड़े जब से बड़े बेटे ने यह छोड़ा, मैं तो एक जेल में बंद हूँ, समझ लो. जब उनके केयर उनके घर वाले नहीं करते, तो जो ओल्ड एज होम के ओनर्स हैं उनको भी ये फील होता है कि दे आर द नेग्लेक्टेड पीपल, सो उनको वो उसी तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं. बट दिस इज दिट शुड नॉट हैपन एक्चुअली, बिकॉज अगर बच्चे अपने पेरेंट्स के केयर नहीं करेंगे तो वो किसके करेंगे? जिन पेरेंट्स ने उनको पूरे टाइम उनको हर कुछ किया है, उनके लिए सब कुछ किया है, तो अगर उनकी आप केयर नहीं कर सकते, उनको कुछ दे नहीं सकते आप जब उनको ज़रूरत है, तो फिर एक ह्यूमैनिटी नहीं है. दिस इज़ नॉट ह्यूमैनिटी एक्चुअली. इन लोगों से गोली दे दो, एक गोली दे दो. जब बेचारों ने जैसे किसी ने मेरे को एक दो बार गोली दी, तब वो बुखार गया. किसी चीज की कमी खाते इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम. इंसान बनो. थोड़ी वो भी होती है हस्बैंड वाइफ इंडिपेंडेंट लाइफ चाहते हैं, तो इसलिए भी वो थोड़ा वाइफ करते हैं पेरेंट्स के साथ में. बोलते हैं आश्रम में नहीं रहती थी आप? ना, शुरू से 2 साल में रही आश्रम. आश्रम पे 2 साल रहे आप? हाँ. आश्रम पे मिली नहीं, अकेली रहती हैं, अकेली यहीं पे ही रहती हैं. खाना वाना यहीं पे खाते हैं. खाना आप खाते हैं? आपने बताया हमसे ले लिया, कभी चाय वाले चाय पी ली,
वहाँ से क्यों आ गई? वह काम बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज होम जब तक रहेंगी जब तक खिलाते रहेंगे, जब तक ये यहाँ पे रहेंगी जब तक सेवा करते रहेंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जेन्युइन पीपल जो करते हैं उनकी मदद, बट प्रोबेबली कितने लोग करते हैं? जितना देना चाहिए उतना नहीं, मतलब एक्चुअली वो निगलेक्टेड है। मैं चाहे ह्यूमन बीइंग के लेवल पे आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी ओल्ड एज में जाएंगे, इवन आप खुद ओल्ड एज में जाओगे तो आप क्या ओल्ड एज होम में जाना चाहते हो या अपने होम एनवायरनमेंट में ही रहना चाहते हो? तो एज अ ह्यूमन बीइंग देखें तो वो डिक्लाइन करना ही चाहिए कोई शो। बट अगर उस बात से कहें कि वो लोग जाएंगे कहाँ अगर उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो एटलीस्ट उनके पास एक जगह तो है जहाँ पे वो जा सकते हैं, अदरवाइज दे विल बी लाइक ऑन द सड़क होंगे। बट ये है कि अगर लोग, मेरे को नहीं लगता इतना अवेयर हो गए ना, जो अपने शेड्यूल से टाइम निकाले होने चाहिए को लेकर थोड़ा सा अपग्रेड करें, अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, एक रूल भी बनना चाहिए, लॉ बनना चाहिए कि अगर आप अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को निकालते हो तो उनके ऊपर एक लीगल एक्शन होना चाहिए, चिल्ड्रन आर देयर क्लेम्ड फॉर देयर प्रॉपर्टी, डेफिनेटली पेरेंट्स आर ऑल्सो राइट टू क्लेम देयर प्रॉपर्टी, हाउ कैन यू आस्क देम टू गो आउट? दिस इज वेरी रॉन्ग। ए चाइल्ड इज कमिंग टू हिज पेरेंट्स कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और इसमें मेरा भागीदार होना चाहिए, तो वाई पेरेंट्स कैन गो आउटसाइड एंड यू कैन आस्क जाओ अब हमें आपकी जरूरत नहीं है? दिस इज नॉट भगवान बहुत खुशियाँ देगा, याद रखना मेरे को। कहीं भी रहो ये दुआएं वाइब्रेशंस होती हैं आपका। मैं घर से जाता हूँ यहाँ